हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के स्टूडियो में हम एक क्राउन टीवी का पावर सप्लाई डेड हो गया है उसको बना के बताने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक मॉड्यूल का यूज़ करेंगे इसकी सप्लाई बनाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कंटिन्यूटी मोड पे मीटर को ले लेते हैं। उसके बाद में इसके जो मॉस्फेट है उसको चेक करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, इसका जो मॉस्फेट है इसमें चेक करने पर पता लग रहा है कि ये शॉर्ट हो गया है। इसमें बजर का बीप का साउंड आ रहा है। तो दोस्तों देखिए, इस टीवी का जो मॉस्फेट लगा है, मॉस्फेट से ये जो रेक्टिफायर लगा है, रेक्टिफायर से ये जो फिल्टर कॉइल है, फिल्टर कॉइल से ये जो फ्यूज़ लगा है, और फ्यूज़ से जो सप्लाई का जो वायर है यहाँ से कनेक्ट है। तो दोस्तों, अगर मॉस्फेट शॉर्ट होता है तो सबसे पहले हमें फ्यूज को बनाना पड़ता है, क्योंकि फ्यूज़ तो ग्लो हो गया होगा, मतलब फ्यूज ख़राब हो गया होगा। फ्यूज को बना लेंगे तो इस मॉस्फेट को हमें निकालना पड़ेगा। ये जो प्राइमरी सेक्शन में लगा रहता है दोस्तों, तो प्राइमरी सेक्शन का जो भी सप्लाई है उसको सबसे पहले हमें 300 वोल्टेज का बनाना पड़ता है। तो इस मॉस्फेट को निकालना पड़ेगा। उसके बाद में पीछे के साइड देख लेते हैं। तो पीछे के साइड में देखो दोस्तों, बहुत कुछ जला हुआ दिख रहा है। जो छोटे छोटे कंपोनेंट भी शायद इसमें से जल गए हैं। तो हम इसको अगर मॉस्फेट को वापस लगाते भी हैं तो शायद ये पीसीबी नहीं चलेगा। इसके लिए हमें इसमें मॉड्यूल लगाना पड़ रहा है दोस्तों। इसलिए आज के वीडियो में हम बताएंगे कि मॉड्यूल को किस तरह से इंस्टॉल करना है। और दोस्तों, मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट को निकालना ज़रूरी रहता है, तो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताता रहूँगा। दोस्तों, वीडियो को स्किप ज़रा भी ना कीजिएगा। तो देखिए, पहले पीसीबी को देख लिया ध्यान से। मैंने तो इसको देख लिया है, तो मुझे तो जला हुआ दिख रहा है। तो ठीक है दोस्तों, अब हमें ये जो सप्लाई की पिन है इसको निकाल देना है। और निकालने के बाद में इस यहाँ जो फ्यूज लगा है, देखो दोस्तों, ये जो रेड वायर है, रेड वायर के ठीक नीचे वाला पॉइंट में फ्यूज का ये जो बॉक्स बना हुआ है दिख रहा होगा आपको। तो फ्यूज बनाने के लिए एक तार ले लीजिएगा, एल्यूमिनियम का तार दोस्तों, कॉपर का तार कभी यूज़ ना करें फ्यूज के लिए। जो इस तरह का एल्यूमिनियम का तार यूज़ कर लीजिएगा तो ये फ्यूज का काम ही करेगा दोस्तों। कभी भी मॉस्फेट ख़राब होगा तो ये फ्यूज को जैसे ही वर्क करेगा और ये अलग हो जाएगा, सप्लाई को तोड़ देगा। तो मैं इस वायर को लगा देता हूँ। ठीक है, आप भी इस तरह से फ्यूज बना सकते हैं। अगर आपके पास नया फ्यूज अवेलेबल हो तो आप फ्यूज भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। तो मेरे पास तो फ्यूज नहीं है, तो मैं इसको लगा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें जो मेजर कंपोनेंट जो लगे हुए रहते हैं, जैसे ये शॉर्ट होगा, इसको निकालना ही पड़ेगा, इसको अलग करना पड़ेगा, तभी हम एक मॉड्यूल को इंस्टॉल कर सकेंगे। इसके साथ में एक और आईसी होगा दोस्तों, 6 पिन के आईसी रहता है, जो मॉस्फेट ड्राइवर आईसी के नाम से जाना जाता है। मॉस्फेट ड्राइवर आईसी को भी हम निकालेंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से मॉस्फेट ड्राइवर आईसी है। अभी पहले इस मॉस्फेट को निकाल देते हैं। तो हमारे पास ये जो हॉट एयर गन है, इससे हम इसको निकाल देते हैं। ठीक है, इसको निकालने के बाद में हम बताएंगे जो आईसी है वो कौन सी है, इसको निकालना है। तो देखिए, इस तरह से आपको धीरे धीरे हल्के से निकाल लेना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसके जो मॉस्फेट है, इस मॉस्फेट के नंबर को जानना हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा दोस्तों हाथ में लेके। तो देखिए, इस तरह से ये जो आपको नंबर दिख रहे होंगे, ये मॉस्फेट है दोस्तों। तो हालांकि हमें इस मॉस्फेट को दूसरा रिप्लेस नहीं करना है, तो ठीक है दोस्तों। देखो, मॉस्फेट निकालने के बाद में हमें यहाँ कुछ लिक्विड से क्लीन कर दिया है, थोड़ा सा साफ करना पड़ता है दोस्तों, ताकि कुछ शॉर्ट सर्किट ना हो दोबारा से। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, 6 पिन की आईसी, 6 पिन की आईसी है ये जो ड्राइवर आईसी है दोस्तों मॉस्फेट का। तो हमें मॉड्यूल की इंस्टॉल करना है तो इस आईसी को भी निकालना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं हो कि आईसी ख़राब हो, यह सही भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन फिर भी हमें इसको निकालना पड़ता है।
ठीक है, देख लीजिए। तो ये आईसी को निकालने के बाद में देखो ये इस तरह से क्लीन कर देना। तो ये जो हमारे पास मॉड्यूल है, इस तरह का मॉड्यूल आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। तो इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए दो तरीका होता है दोस्तों। पहला तरीका ये है कि जो सेकेंडरी साइट में हमें जो 5 वोल्ट की पिन लगी रहती है उस पिन का नेगेटिव चेक करना है दोस्तों। देखिए इस तरह से मल्टीमीटर को बाजार मोड में लेना है और जो 5 वोल्ट का जो पिन लगा रहता है आउटपुट वहाँ पर लगा के चेक करना है कि नेगेटिव कौन सा है। तो दोस्तों ये देखिए ये यहाँ पे इस पिन पे लगाया तो नेगेटिव हमें मिल गया। तो एक नेगेटिव मिल गया तो इसका मतलब हमें पॉजिटिव भी इसका मिल ही जाएगा, दूसरा पॉइंट पॉजिटिव है। तो दोस्तों इस पॉजिटिव को ढूंढने का मतलब ये है कि इससे हमें यहाँ पे जो ये डायोड लगा है ये पता चलेगा कि ये डायोड इसी से कनेक्ट है कि किस या किसी और से। तो दोस्तों ये इसी डायोड से कनेक्ट है, ये डायोड है दोस्तों। ये इस तरह का 2 या 3 लगे रहते हैं तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं इसका पॉजिटिव फाइंड करके। तो हमें डायोड मिल गया है। अब हमें सप्लाई के इस वायर को मॉस्फेट की जगह पर लगाना है जहाँ पे मॉस्फेट का बीच वाला पिन रहता है ड्रेन पिन, और नेगेटिव वायर को इस कैपेसिटर के नेगेटिव में लगाना है। ये वाला जो कैपेसिटर लगा है जो कि 300 वोल्टेज बनाता है। अब येलो और ब्लू वायर को हमें ब्लू को नेगेटिव में लगाना है। देखिए इस तरह से नेगेटिव कहीं भी सॉकेट पे मिल सकता है, ये इस तरह से ये जो सॉकेट है। और येलो वायर को पॉजिटिव में जो कि ये डायोड है ये डायोड के इस पिन पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला मेथड हो गया है। तो हमने कैपेसिटर ये जो मॉड्यूल के दोनों वायर को तो जॉइंट कर दिया है, लेकिन हम उस पहले मेथड में यूज़ नहीं करने वाले, हम दूसरा मेथड यूज़ करने वाले। तो दूसरे मेथड में दोस्तों हमें क्या करना है कि ये जो ऑप्टोकपलर लगा है, देखिए ये जो ऑप्टोकपलर ये आपको दिख रहा है, इस ऑप्टोकपलर को हटा देना है, यहाँ से निकाल देना है, और इसकी जगह पे दो वायर को जॉइंट करना है, येलो और ब्लू वायर को। वो किस तरह से, तो देखिए हमारे मॉड्यूल में भी एक ऑप्टोकपलर लगा है ये, तो इस ऑप्टोकपलर के दो पिन को निकाल लेना है, पिन नंबर 1 और 2 को उसकी पीसीबी से निकाल लो, ऊपर कर लो, उसके बाद में येलो और ब्लू वायर को कनेक्ट कर लो। तो येलो वायर को पिन नंबर 1 ये पिन नंबर 2 पे किया है और ब्लू वायर को पिन नंबर 1 पे, सेम वही कनेक्शन, सेम यही के कनेक्शन पीसीबी में लगे ऑप्टोकपलर के पिन नंबर 1 और 2 पे लगाना है। कुछ नहीं करना है, बस इतना ऐसा ही करना है। तो हमारा सप्लाई ओके हो जाएगा दोस्तों। इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि हमारा जो पीसीबी है वो इस मॉड्यूल को सिग्नल देगा कि हमें कितने वोल्टेज चाहिए, कितने वोल्टेज चाहिए, इसके अनुसार हमें इस पीसीबी को वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ज्वाइन कर दीजिए तो आपका पीसीबी ओके हो जाएगा। तो जॉइन करने के लिए इसको निकालना पड़ेगा, जो पीसीबी होता है पीसीबी का मेन ऑप्टोकपलर जो लगा है उसको निकाल देते हैं। ठीक है, इस तरह से मैं इसको हीट कर देता हूँ, थोड़ा हीट करना पड़ेगा दोस्तों, हीट करने के बाद में ये निकल जाएगा। दोस्तों देखिए हिट कर दिया है, अब ये निकलने वाला है। ठीक है, इस तरह से ऑप्टोकपलर को पीसीबी से अलग कर लेना है, और जिस तरह से मॉड्यूल में दो वायर लगाए हैं उन दोनों वायर को यहाँ के ऑप्टोकपलर के पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 पे जॉइन कर देना है। ठीक है, इस तरह से देख लिया दोस्तों,
जहाँ ऑप्टो का अप्लाई पिन नंबर 1 लगा था वहाँ मैंने ब्लू कर दिया है और पिन नंबर 2 पे मैंने येलो कर दिया है। अब हमारा जो मॉड्यूल है वो अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो गया है। अब हमें इसको चालू करके देख लेना है दोस्तों, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, सब कुछ ओके रहेगा दोस्तों और हमारा टीवी चालू हो जाएगा। ठीक है, मैं इसके सप्लाई पिन को लगा देता हूँ। ठीक है, इस तरह से लगा दिया है। कुछ नहीं दोस्तों, बहुत ही आसान है मॉड्यूल को इंस्टॉल करना है हमें। ये देखिए दोस्तों, बिना सप्लाई ऑन करते ही हमारा टीवी चालू हो गया है, उसमें लाइट आ गया है, बैक लाइट जल रहा है, देखो दोस्तों। अब मैं इसको फिट कर देता हूँ, फिट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ सामने से। तो इसको मैंने फिट कर दिया है, अब दिखाता हूँ, रेड लाइट जल रहा है और इसके स्टैंड बाई मोड से रिलीज भी कर दिया है, ये रिलीज हो गया है, उसके बाद में ये हमारा टीवी ऑन हो गया है। तो दोस्तों देखिए कितने आसानी से हमने एक टीवी के अंदर सप्लाई मॉड्यूल को इंस्टॉल किया है और चालू किया है। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपने शॉप में इस तरह से मॉड्यूल इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है या बेनिफिट हुआ तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और सपोर्ट जरूर करें दोस्तों हमारे चैनल को। धन्यवाद।